हेलो राधे राधे आप सभी को और जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की कृपा से और आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो थोड़ी सी स्पेशल है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि NTE1 बिल्डिंग के पास में जो अमृता हॉस्पिटल की NTE1 बिल्डिंग है, वहां पर आपने दीपोत्सव का वीडियो देखा होगा जो कि मैंने आपके अपने चैनल पर डाला था आपके लिए। ठीक है, आई होप कि आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा। लेकिन जो अभी आज की वीडियो रहने वाली है वो मेरे हॉस्टल के रूम के वीडियो रहने वाली है। एक्चुअली मैंने ये सोचा था क्यों ना, वो तो सब लोग जला रहे हैं 1100 दिए, वो अलग की बात है, लेकिन मैंने भी एक छोटा सा काम करना था अपने रूम के लिए, क्योंकि भगवान जी मेरे रूम में भी हैं। तो बहुत पहले से सोच के रखा था कि 51 दिए मैं जलाऊं। ठीक है, तो 51 दिए एक्चुअली मैंने अपने लिए मंगाए हुए हैं दोस्तों, और उसके बाद मैंने ये लाइट्स मंगाई हुई हैं। तो मैं सोच रही हूँ, मेरा वैसे तो रूम इतना अच्छा डेकोरेट कर ही रखा है प्रतीका ने, और मुझे बहुत अच्छी कोई डेकोरेशन आती नहीं है, बट मैं करती हूँ, एक बार कोशिश करती हूँ। बट ये वाली लाइट्स मैं लगाने की सोच रही हूँ, और उसके बाद कुछ दिए भी लगा। तो चलिए पहले इस लाइट्स को हम ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसी है। वैसे मैंने जो मंगाई थी ना, वो दिए वाली लाइट मंगाई थी, मतलब पीछे जो आप एक लाइट देख रहे होंगे वो स्टार वाली है, लेकिन मैंने ये दिए वाली मंगाई थी, है ना, ऐसी वाली है कुछ, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ओपन करता हूँ, स्टार्ट करते हैं इसको लगाने। और आज सबसे बुरी बात ये है कि मेरे रूममेट में से कोई भी नहीं है। प्रीतिका जो मेरी दोस्त है उसकी भी इवनिंग शिफ्ट है, मेरी चंद्रकला दीदी हैं उनकी भी इवनिंग शिफ्ट है, और सलोनी दीदी की भी ड्यूटी है उनकी भी इवनिंग शिफ्ट है। तो सबकी ड्यूटी है, एक मैं हूँ अकेली रूम पर, तो आज मेरी हेल्प के लिए कोई भी नहीं है, मुझे खुद ही अकेले करना है सब कुछ। पर चलो देखते हैं कैसे होगा। हाँ, अभी फाइनली मैंने वो सुलझा तो लिया है, अब देखते हैं बस उलझ ना जाए। ठीक है, तो चलो भैया सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं इसको यहाँ से लगाने के लिए। मैं पहले आपको दिखा दूँ कि मैंने जो सुलझाई है, बस मुझे टेंशन है बीच बीच में उलझ रही है क्योंकि इसकी शेप ही कुछ ऐसी है ये, लेकिन ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे पास मेरे बेड के पास में ये वाला प्लग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई इस प्लग के पास में से ये नाप लेंगे। ठीक है, इस प्लग तक आ जाएगा कि नहीं? ओके 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 ओके, मुझे लग रहा है कि ये तो थोड़ा छोटा रहेगा, मगर डन 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 डन। अभी मैं आपको जला के दिखाती हूँ इसको। यार ऐसे हो जाने तो अच्छा लगता है, पर मैं क्या करूँ, मेरा भी प्लग तो छोटा है यार, तो फोफट हो गया, चल ही नहीं रहा। मैं तो चल ही नहीं रही, क्या करूं अब, कोई बात नहीं। मुझे बहुत बेकार लग रहा है कि मैंने इतनी सारी मेहनत की और उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, पर मैं इसमें सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कुछ गड़बड़ की हो, क्योंकि इसमें ना प्लीज डू नॉट कट द व्हाइट क्लिप्स ऐसे कह रहा है वो, पर इसमें ऑलरेडी सब मैंने देख देख के ही किया है, सब फिर भी नहीं चल रही है, पता नहीं क्यों, दिमाग खराब हो गया यार, दिमाग बहुत खराब हो गया। हाँ खैर चलते हैं, अभी दिए की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि दिमाग खराब करने से कोई फायदा नहीं, मैंने बहुत मन से लगाई थी लेकिन। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिए दिखा देती हूँ, इतने सारे दिए मंगाए हैं, ये 2 पैकेट दिए हैं और 2 पैकेट ये हैं, मतलब इसमें ना टोटल 51 दिए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इनको ओपन कर लेती हूँ। ये दिए ना मैंने इंस्टामार्ट से मंगाए थे, सारे दिए इंस्टामार्ट से।
यहाँ पे बनाया है राम, मतलब मेरे पास ना 51 दिए थे, तो 51 दियों से मुझे लग रहा था कि हाँ राम मैं आराम से बना सकती हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया राम। मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ इसीलिए आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा, तो फटाफट से इसमें बाती डाल देते हैं और घी डाल देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मेरी मम्मी ने ना ये घी दिया था, मतलब मेरे खाने के लिए, जो कि मैंने एक बार भी ऊपर नहीं किया पिछले 2 महीनों से। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन पहले मैं इसको आज यूज़ करने वाली हूँ। एकदम फ्रेश घी है, घर का घी है, जो कि मैं आज दियों के लिए वो यूज़ करूँगी, ठीक है। तो फटाफट से ओपन करते हैं और इस लोटे में मैं घी डालूँगी और गर्म करूँगी, उसके बाद मैं दियों में डालूँगी, ठीक है। भाई बहुत ही मुश्किलों से निकाला है मैंने ये चम्मच से अभी कर लेते हैं इसको गरम, पिघला लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ताकि इजीली वो दियों में जा सके। और आइए अब एक एक करके इन सभी दियों में घी डाल देते हैं। मैं शेप इसको बिगड़ने नहीं दूंगी, खैर वहीं से उठाया और फिर वहीं पे रख दिया, मतलब मैंने ऐसा किया था। वाओ, क्या आप लोग सोच सकते हैं कि कितना सुंदर दृश्य होने वाला है। तो भी इन दियों को जलाकर दिखाती हूँ मैं आपको। ओके दोस्तों, फाइनली मेरे 51 दिए जल चुके हैं दोस्तों, और मैंने यहाँ 51 दियों में लिखा है राम। सुंदर है ना, है ना, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है वो तो वीडियो में कमेंट जरूर करना, ठीक है, और वीडियो में लिखना जय श्री राम, ठीक है। मेरे से ये लाइट नहीं जल रही थी, मैंने बहुत मेहनत की थी और उसके बावजूद भी लाइट नहीं जली, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि लाइट जल गई है। वो जलाई है प्रीतिका ने, आते इसके हाथों में जादू है। इधर ये वाली लाइट चली, माहौल पूरा कति खतरनाक वाला बना रखा है हमने। अभी इसको मैं कल भी सेट करूंगी, ऊपर टांगूंगी, क्योंकि अभी तो मैं नहीं टांग पाऊंगी भाई। चलो, और 51 दिए जलाने के बाद मैं फिर मैंने बांटे ये लड्डू, जो कि है बेसन के, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं मंगाए हैं, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए, जितने लोगों के लिए भी हो जाते हैं, मैं उन सबको ये बांट के आई। और इसमें अभी बचा हुआ है एक लड्डू मेरे लिए, उसको मैं बाद में खा लूंगी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।